नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम सच्चाई की खोज में पहुंचे हैं। आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम सुरेंद्र चावड़ा है जी। सुरेंद्र जी, आप कितने समय से जा रहे हो डेरा सच्चा सौदा? मैं डेरा सच्चा सौदा से पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 15 सालों से आप जुड़े हुए हो। जो एक मीडिया में बात चल रही है कि यहाँ पे पढ़े लिखे कम आते हैं, क्या जवाब देना चाहोगे? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद MBA मास्टर है, मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ह्यूमन रिसोर्स मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो हमारे परिवार में खुद सारे पढ़े लिखे हैं। बड़े भाई हमारे वकील हैं, लॉयर हैं, वो जुड़े हुए हैं। दो भाई मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हमसे बड़े जो दो हैं। तो ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फैमिलीज डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हैं। और बहुत एक बड़े लेवल के लोग, एजुकेटेड लोग, वकील, इंजीनियर्स, अच्छी अच्छी पोजिशंस पर जो लोग आज सेटल हैं, बैठे हुए हैं, अच्छे अहदे पर बैठे हुए, वो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये करारा जवाब है उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में पढ़े लिखे लोग कम आते हैं। ये खुद एक मैनेजर है, MBA इन्होंने किया, उनकी फैमिली लॉयर है और कुछ इंजीनियर है। इनके परिवार से, अपने परिवार की बात बता रहे हैं और सारे ही डेरा सच्चा सौदा से आज भी जुड़े हुए हैं जैसे पहले जुड़े हुए थे। तो आपसे सर एक और सवाल पूछती हूँ। आप पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड हो, तो समाज में जैसे सत्संग नहीं हो रहे हैं बाबा राम रहीम जी के, गुरु जी के लगातार सत्संग नहीं हो रहे, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज? इसका समाज पर बहुत नेगेटिव असर है। जैसे कि हजूर पिताजी संत डॉक्टर गोविंद राम रहीम सिंह जी इंसान हमेशा हम सबको एक अच्छी प्रेरणा देते हैं। हमारे नैतिक कार्य जो होते हैं, नैतिक जिम्मेवारी होती है, हमारी जो मौलिक जिम्मेवारी होती है, उन सब के बारे में वो पाठ पढ़ाते हैं। तो हम तो खैर जुड़ गए, लेकिन जो एक बहुत बड़ा तबका जुड़ने वाला था, लोग कंटिन्यू जुड़ रहे थे, कई लाख लोग एक एक महीने में बुराइयाँ छोड़ रहे थे, नशा छोड़ रहे थे। तो समाज में जो बहुत बड़ा परिवर्तन एक स्पीड से आ रहा था, वो उसकी स्पीड जरूर कम हुई है। और उसका आप देख रहे होंगे जगह जगह बड़ी बड़ी बीमार बुराइयाँ वो बढ़ती जा रही हैं, उस पर एक रोकथाम जरूर लगी है कि सच्चाई को अच्छाई को रोका जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है, ये युगों का आप इतिहास देख सकते हैं, उसमें हमेशा होता रहा है। कबीरदास जी थे एक बहुत बड़े संत थे, उन पर लोगों ने क्या क्या अत्याचार नहीं किए, रामचंद्र जी के ऊपर क्या अत्याचार नहीं किए हैं, श्री कृष्ण जी के बारे में आज हम उनको भगवान मानते हैं, क्या लोग उस समय थे? उस समय सिर्फ चंद लोग होते थे उनको मानने वाले। आज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को मानने वाले 6 करोड़ लोग हैं। आज हम श्री कृष्ण जी को मानते हैं, क्या उस समय लोग उनको छलिया नहीं कहते थे, ग्वाला कहते थे उनको, तो उनको भी अनपढ़ लोग कहते थे। अगर आज डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स को लोग बाग अनपढ़ कह रहे हैं, तो ये कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जब भी आप अच्छा करने जाओगे हमेशा आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज आएगा। इफेक्ट है, पूरी दुनिया जानती है, बट अभी थोड़ा सा मानने में समय है, वो भी समय बहुत जल्दी आने वाला है कि सब और अच्छी तरीके से मान जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिए थे हमारे साथ मैनेजर, वेल एजुकेटेड लोग जो आज भी डेरा सच्चा सौदा में जा रहे हैं और बता रहे हैं किस आस्था से आज भी आ रहे हैं और